हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 16th ऑफ अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली श्रेष्ठ स्कीम वो सीन इन द न्यूज़, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड इट। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में देखी गई श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। आपके ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपसे श्रेष्ठ स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। सो आप यहाँ देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठ जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म ये है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज एज अ स्टेप टू इंकरेज एजुकेशन एंड इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। इसके साथ ही इस स्कीम का एम है टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रेक्टिफाई सर्विस गैप्स इन एरियाज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाई SCs within द एजुकेशन सेक्टर। और वर्तमान समय में यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेज 28 प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है, प्रोजेक्ट अमेज 28 निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अमेज प्रोजेक्ट 28 जो है ये संबंधित है केरला राज्य से। सो आप यहाँ देख सकते हैं, केरला का पहला 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है, 380 स्क्वायर फीट में बना है। वन रूम समर हाउस इज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 10 ऑन द केरला स्टेट निर्मिति केंद्र कैंपस एट PTP नगर इन तिरुवनंतपुरम। अमेज 28 की बात करें तो इट स्टैंड्स ऑन अ कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म ऑन अ स्मॉल माउंट ऑन द किसनिक कैंपस एंड इट इज़ डिजाइंड एज अ डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। अमेज 28 एज द समर हाउस इज नेम्ड एंड इट इज़ कम्प्लीटेड इन 28 डेज। तो अमेज 28 जो है ये एक समर हाउस है जो कॉन्क्रीट के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की मंजूरी दी है या उसकी स्थापना करेगा। आपके ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। सो आप यहाँ देख सकते हैं, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अप्रूव्ड टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन फॉर महाराष्ट्र ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द स्टेट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी मीटिंग का आयोजन किया गया था मुंबई में। सो अलॉन्ग विद दिस वेरियस इशूज लाइक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ द स्टेट, प्रोविजन ऑफ फंड्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस इन तालुकाज ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एंड अदर इश्यूज वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। तो इंडिपेंडेंट ST कमीशन का जो गठन किया जाएगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इसरो इन कोलेबोरेशन विद द विज्ञान भारती हैज़ ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन जिसका नाम है स्पेस ऑन व्हील्स। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इसरो ने विज्ञान भारती के सहयोग से स्पेस ऑन व्हील्स नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आपके ऑप्शन हैं, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन ए, इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सो आप यहाँ देख सकते हैं, इसरो इन कोलेबोरेशन विद द विज्ञान भारती हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन जिसका नाम है स्पेस ऑन व्हील्स इन अरुणाचल प्रदेश, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू इसरोज एक्टिविटीज एंड इंडियाज स्पेस मिशंस टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। और एम की बात करें तो इसका एम है टू सेंसिटाइज द यूथ अबाउट द एक्साइटिंग एंड रिवॉर्डिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टू ब्रिंग द वंडर्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन टू द डोर स्टेप ऑफ स्टूडेंट्स एंड एंथुजियास्ट अक्रॉस द नेशन। इसका आयोजन किया है इसरो ने विज्ञान भारती के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में, और इस एग्जीबिशन का नाम है स्पेस ऑन व्हील्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16th एडिशन ऑफ लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 वाज हेल्ड एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं पुणे, मुंबई, लखनऊ या न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 16th लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो का आयोजन मुंबई में किया गया है। आप यहां देख सकते हैं द 16th एडिशन ऑफ लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 वाज इनॉग्रेटेड बाय द एक्ट्रेस वर्षा उजगांवकर इन मुंबई, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट मुंबई इज होस्टिंग सच एन एक्सपो दैट विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम फर्म्स डीलिंग इन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, दार्जिलिंग ऑर्किड प्लांट्स, बोनसाई, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, ग्रीन रूफ सिस्टम, नर्सरी प्रोडक्ट्स, सॉइल सब्स्टिट्यूट एक्सेट्रा। तो आप ध्यान रखेंगे 16th लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो का आयोजन हुआ है मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which place Indian government will organize World Food India 2023? आपसे पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा कहाँ पर World Food India 2023 का आयोजन किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, लखनऊ, इंदौर या जयपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, World Food India का आयोजन भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल बी ऑर्गेनाइजिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जिसका एम है टू शोकेस इंडियाज रिच फूड कल्चर एंड अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स इन द डाइवर्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। और इसका आयोजन 3rd to 5th November के मध्य नई दिल्ली में किया जाएगा। This program is a gateway to the Indian food economy, facilitating partnership between Indian and foreign investors. तो आप ध्यान रखेंगे World Food India का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा 3rd to 5th November के मध्य में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईयर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जाना जाता है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।